हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए। जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है या बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, क्या ऐसे करें कि हमें ब्लड प्रेशर आगे नहीं हो पाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यह है कि ब्लड प्रेशर उन्हीं लोगों में ज़्यादा पाया गया है जिनका वजन ज़्यादा रहता है। तो मोटापा को नियंत्रित करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनका वजन अपनी हाइट के हिसाब से ज़्यादा होने लगे, BMI 25 से ज़्यादा होने लगे, या मोटे तौर पे जिनका वजन 75 kg से ज़्यादा होने लगे, उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। इसलिए कोशिश ये करें कि वजन को नियंत्रित करें। उसको नियंत्रित करने के लिए आपको जो शक्कर वाली चीज़ें हैं वो कम खानी है, जो तेल मसाले वाली चीज़ें हैं वो कम खानी है, उससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको वेट पे नियंत्रण करना है। दूसरा, शुरुआत से ही जो उसमें नमक ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें कम खाएं। नमक की इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम खाते हैं। खाने में हमारे जो नेचर में चीज़ें मिलती है उसमें सोडियम होता है, जितनी ज़रूरत होती है उसी में मिल जाता है। हम ऊपर से बहुत खाते हैं, 8 ग्राम 10 ग्राम नमक खाते हैं, 5-6 ग्राम से ज़्यादा अलाउ नहीं है, और जो सोडियम है वो तो 2-3 ग्राम ही अलाउ है। तो अगर शुरुआत से ये नमक कम खाने लगेंगे तो ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होती। अमूमन ज़्यादातर लोगों में ऐसे ही देखा गया कि जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं उनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो ऐसी आदत डालें कि नमक कम खाना पड़े। नमक की जगह पे आप जो हर्ब्स होती हैं, जो स्पाइसेस होते हैं, नींबू वगैरह है, उसका यूज करें, और धीरे धीरे वो आदत में आ जाता है। तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसी चीज़ें जैसे कि तली भुनी चीज़ें हैं, बाजार की चीज़ें हैं, जैसे कि चाट है या फ्राई जो फूड्स होते हैं, चाइनीज मंचूरियन है या गोलगप्पे होते हैं, समोसा, इडली, सांभर, इस तरह की चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें हो गई, नमकीन है, कुरकुरे है, चिप्स है, इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अवॉइड करेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या से बच पाएंगे। और ऐसे ही तनाव नहीं लेना है। जैसे ही लोग अपने सर्विस वगैरह में आते हैं या व्यावसायिक जीवन की शुरुआत होती है तो अलग अलग तरह से तनाव आ जाता है। फैमिली को चलाना है, पारिवारिक तनाव है, पैसे का तनाव है, कई बार कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा की जो समस्या हो जाती है। इसलिए हाइपरटेंशन अमूमन 30, 35, 40 साल के बाद ज़्यादा होता है। स्ट्रेस की कंडीशन में शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते। ब्लड प्रेशर है क्या? जो हमारी आर्टरीज है उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर से ब्लड का फ्लो होना ही ब्लड प्रेशर है। और ये ज़्यादा फ्लो तेज़ी से होता है ब्लड, तो दिमाग के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी खराब हो सकती है, हार्ट खराब हो सकता है। तो बेसिकली वो स्ट्रेस में ये ब्लड ज़्यादा तेज़ी से पंप होता है। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे तनाव हो। तनाव को स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीखना है। ज़्यादातर लोगों का तो ब्लड प्रेशर, अगर इसको हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख गए तो ही कम हो जाता है। तो इसके लिए आप दूसरी चीज़ें भी, जैसे कि योगा है, ध्यान है, एक्सरसाइज है, वॉकिंग वगैरह करो, जिम जाओ, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। लड़ाई झगड़ा है उसको सॉर्ट आउट करो, सॉल्व करो, तो उससे ब्लड प्रेशर की शिकायत कम हो जाएगी। और ऐसे ही स्मोकिंग भी एक बड़ा कारण है। निकोटीन चाहे किसी फॉर्म में लिया जाए, चाहे धुएं के फॉर्म में, जैसे बीड़ी है या हुक्का है इस तरह से, या तो गुटखा, जर्दा, खैनी है, वो भी ब्लड प्रेशर कराता है। तो उसको भी कम से कम लेने की कोशिश करें या तो अवॉइड करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर का वो भी बड़ा कारण है। तो अगर हम इसको छोड़ देंगे, सिगरेट स्मोकिंग, तो आने वाले समय में जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो नहीं होगी। और ऐसे ही एल्कोहल भी ब्लड प्रेशर का एक कारण बनता है, अलग अलग तरीके से। वेट गेन भी कराता है, स्ट्रेस वगैरह भी होता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो एल्कोहल अगर अवॉइड करते हैं तो ब्लड प्रेशर होने की शिकायत फ्यूचर में कम होगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तेल और मसाला पहले से ही कम खाने कर दें। होता क्या है, तेल मसाला खाने से ये जो आर्टरी है उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग बोलते हैं, उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरा, तेल मसाले से मोटापा होता है। तो ऐसी चीज़ें जिसमें तेल मसाला ज़्यादा होता है उसको कम करना चाहिए। हमें शुरुआत से ही, जैसे ही एक एज हो जाए, जैसे कि 25-30 साल हो जाए, उसके बाद तेल मसाले पे थोड़ा ध्यान से खाना चाहिए। रोज का जो ऑयल की मैं बात करूँ तो लगभग ये 40-45 ग्राम, इससे ज़्यादा ML में कर लो, तो इससे ज़्यादा नहीं खाना है। इसको आप डिवाइड कर लो कि हमें सब्जी में कितना डालना है, नाश्ते में या डिनर लंच में। तो इससे ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है। और ब्लड प्रेशर से बचने का एक और जो सबसे अच्छा तरीका है वो एक्सरसाइज करना, रोज कुछ व्यायाम करना। व्यायाम करने से एक अलग अलग तरह से इफेक्ट आता है। एक तो वजन कम होता है, उसके अलावा जो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स वगैरह जो स्टिमुलेट होते हैं एंग्जाइटी स्ट्रेस से,
वो भी ब्लड प्रेशर से कम होता है, और जो आर्टरी है वो डायलेट होती है, और जो कार्डियो वाली एक्सरसाइज करने से हार्ट रेट वगैरह नियंत्रित होती है, हार्ट मजबूत होता है। तो एक्सरसाइज जिनकी एज कम है वो जिम में जा सकते हैं, स्ट्रेंथ वाली कर सकते हैं, जिनकी थोड़ी ज़्यादा हो गई वो वॉकिंग वगैरह करने लगे हैं रोज के, घूमने जा रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं हल्का बैडमिंटन वगैरह, जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। और जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, अब जिनके हाथ पैर नहीं चल सकते 50 55 60 के बाद, तो वो योगा वगैरह कर सकते हैं, जो रिलैक्सेशन है स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है। अगर कोई भी व्यक्ति जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसको बहुत ही कम चांस है कि उसको ब्लड प्रेशर हो। एक बार देखिए ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, उसके बाद फिर कंट्रोल करने में, उसको ख़त्म करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन शुरुआत से ही अगर लाइफ स्टाइल में इस तरह से बदलाव किया जाए तो काफ़ी हद तक चांसेस रहते हैं कि ब्लड प्रेशर से हम बच सकते हैं। तो जैसा मैंने कुछ चीज़ें तो बताई कि आपके रहन सहन से है, जैसे कि स्ट्रेस एंग्जाइटी से कुछ है, एक्सरसाइज से संबंधित है कुछ, जैसे मैंने खाने से संबंधित बताई है ना, स्मोकिंग है, एल्कोहल है, अवॉइड करना है, तो इससे हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं। और कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर के सेकेंडरी काज होते हैं, जैसे कि किसी की किडनी खराब है, ठीक है, उस केसेस में, या कुछ हार्मोन सिक्रेटिंग है जैसे थायराइड किसी का बढ़ गया है, या एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया है, फियोक्रोमोसाइटोमा में कार्टिसोल वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उन फिर बीमारियों का इलाज करवाना पड़ेगा, तो वो तो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन जो प्राइमरी इसेंशियल हाइपरटेंशन, उससे हम इस तरह की चीज़ें करके बच सकते हैं। बचने का एक अच्छा तरीका है कि बहुत फ्रूट्स खाया जाए। फ्रूट्स में क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। फ्रूट्स में कैलोरी कम होती है, उसमें विटामिन्स होते हैं, ठीक है, तो फ्रूट्स खाना चाहिए और वेजिटेबल्स खाना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो फाइबर वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आटा है गेहूं का, या ब्राउन राइस है, या मक्का है, या ज्वार है, बाजरा है, इसकी सब्जी खाओ, दलिया खाओ, उससे ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित होता है और बाकी के भी एडवांटेज होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ब्लड प्रेशर से बचा जा सकता है, राइट। ये आदत हमें शुरुआत से ही डालनी चाहिए, जैसे ही 25-30 साल की उम्र हो, और स्पेशली ऐसे लोग जो बैठने का काम करते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादातर लोग ऑफिस में बैठते हैं, तनाव है या तो उनको होता है, या तो जो शॉप वगैरह चलाते हैं, शॉप कीपर हैं, कि एक ही जगह पे काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ जाता है। तो अगर हम शुरुआत से ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे, तो ब्लड प्रेशर की समस्या से काफ़ी हद तक बच पाएंगे। ब्लड प्रेशर का मतलब है ऊपर वाला सिस्टोलिक 140 से और ऊपर हो जाए, और नीचे वाला डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा हो जाए। तो जब 130 से ज़्यादा जाने लगे, मतलब प्री हाइपरटेंसिव होने लगे, तभी ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर हमारा नियंत्रित रहे। इसके अलावा अगर मैं कुछ और तरीके की बात करूं, तो एक तरीका है पानी पीने का। पानी पीने से भी ब्लड प्रेशर काफ़ी चांसेस रहते हैं कि ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हो। कैसा देखा गया कि ऐसे लोग जो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी कम पीते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा होती है। और ऐसे ही जो काफ़ी चाय में कैफीन होता है, उसको भी कम पीना चाहिए। काफ़ी चाय भी एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो पहले से ही आदत करें कि काफ़ी चाय हमें कम से कम लेना है। काफ़ी चाय के अंदर एक तो स्टिमुलेंट ये होता है, और दूसरा उसमें शक्कर होती है। शक्कर भी वेट गेन करवाती है, और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी एक अच्छा तरीका है ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं हो, या जिनको है ठीक करने का, जो योगा में अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, जानते हैं, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, ऐसा स्टडीज में आया है। तो उसको भी थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमने अलग अलग तरीके देख लिए कि इससे हम ब्लड प्रेशर से बच सकते हैं फ्यूचर में जो आने वाला है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंडिया में अभी लगभग 15-20% लोगों को है। ब्लाइंडनेस का, हार्ट अटैक का, क्रोनिक किडनी फेलियर का, स्ट्रोक का, जो ब्लड वेसल्स खराब होने का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है, जो कि इसमें लक्षण शुरुआत के स्टेज में आते नहीं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए जब भी 20-25 साल से ज़्यादा की उम्र हो जाए, तो कहीं भी ब्लड प्रेशर चेक कराने का मौका मिले तो आपको करवा लेना चाहिए। उससे अगर ब्लड प्रेशर किसी ने चेक करा लिया, तो फिर उसके लाइफ में ब्लड प्रेशर से तो उसको कोई समस्या होगी नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेगा। ब्लड प्रेशर जब पता नहीं चलता,
अनियंत्रित रहता है 8-10-12 साल, तो धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देता है। तो दोस्तों मैंने जो ये तरीके बताए हैं, आई होप कि आप इनको अप्लाई करेंगे और ब्लड प्रेशर से बच पाएंगे। ये भी स्पेशली वीडियो उनके लिए है जिनको भी ब्लड प्रेशर नहीं है, अपने को कैसे ध्यान रखना है उसके लिए है, राइट। सो थैंक यू सो मच।